मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे शख्स हुए हैं, जब वो छोटे थे, बालक थे, तो उन्होंने अपने पिता का बलिदान दिया, और जब वो बड़े हुए अपने शहजादों का, अपने पुत्रों का बलिदान दिया, एक नहीं चार पुत्रों का बलिदान दिया। चारों पुत्रों को, दो पुत्र बड़े जो पुत्र हैं वो युद्ध में काम आए, हजारों मुगलों को गाजर मूली की तरह काटते हुए अंत में धोखे से दोनों शहजादों को मार दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे दो शहजादे जोरावर और फतेह सिंह, अत्यंत प्रेरणादायी घटना है। जोरावर 9 वर्ष के थे, फतेह सिंह 6 साल के थे। माँ गुजरी के साथ सिरसा नदी का पानी पार करते हुए वो मलेरकोटला पहुंचे। मलेरकोटला पहुंच करके कालू नाम का जो महाराज था, घर में खाना पकाता था, माँ गुजरी के पास नौकरी करता था, उसके घर पहुंची माँ गुजरी दोनों शहजादों को लेकर के। उसने सोचा था कि इतने सालों तक नौकरी करने वाला व्यक्ति, वहां पर हमको थोड़ा पना मिलेगी, लेकिन वह गद्दार निकला। चंद सोने के सिक्कों के बदले उन्होंने उन शहजादों को पकड़वा दिया, और वजीर खान नाम का वहाँ जो मलेरकोटला का नवाब था, उसने उनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद उनको कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ। दोनों शहजादे तो किस मिट्टी के बने, ये वो पागल जानता ही नहीं था। वो तो सामान्य लोगों पर अत्याचार करके अपने धर्मांधता का सिक्का जमाता था, लेकिन ये दो बच्चे शेर के बच्चे हैं, इनको वो नहीं झुका सकता, ऐसा उसको कहाँ मालूम था। इसलिए दोनों बच्चों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, कठोरता के साथ मना कर दिया। वजीर खान ने दोनों बच्चों को सरहिंद के किले में चिणवाने का आदेश दिया। आप सुनिए, देखिए क्या, कैसे कैसे वीर बालक थे, वीर पिता के वीर बालक, वो घटना कैसे घटती है। दोनों बच्चों को दीवार में चुना जाने लगा, और धीरे धीरे चलने के बाद फतेह दीवार में पूरी तरह से चुना गया। जब चुना जाने लगा, 6 इंच सिर्फ सिर रह गया, और लगा कि अगली 2 इंटों में और उनका पूरा शरीर दीवार में आ जाएगा, बलिदान हो जाएगा। जोरावर की आंखों में आंसू आ गए। उस पगले धर्मांध कातिल वजीर खान को ये नहीं मालूम था कि ये किस मिट्टी के बच्चे हैं, किस मिट्टी के बने हैं, किन भावों के, किस संस्कारों के बच्चे हैं। उसने जोरावर को कहा, अरे अभी भी समय है, तुम मुस्लिम हो जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें छोड़ देंगे। जोरावर जोर से बोला, अरे पगले, तू क्या समझता है कि मैं डर के मारे मेरी आंखों में आंसू आए हैं? मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि मेरा छोटा भाई फतेह सिंह मेरे से बाद इस दुनिया में आया, और बलिदान के मौके पर वो मेरे से पहले चला गया, नंबर ले गया। यही मुझे दुख है, मैं बड़ा हूँ, बलिदान मेरा पहले होना चाहिए, लेकिन तुमने इस तरह की कंडीशन लगा दी कि वो पहले चला गया। दोनों बच्चों का बलिदान हुआ। बलिदान होने के बाद उनके दाह संस्कार का प्रयास वजीर खान जैसे जालिम नवाब ने जगह देने से मना कर दिया। समस्त समाज चिंतित हो गया। तब दीवान टोडरमल जी आगे आए, और दीवान टोडरमल ने कहा कि अभी तक इस पर अधिकार तुम्हारा था, हमारे बच्चे हैं, हमें 100 दीजिए और हम उसका दाह संस्कार करेंगे, बोलो इस जमीन का क्या पैसा लोगे। वजीर खान ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जितनी अशरफिया तुम बिछाओगे उतनी जमीन हम आपको दे देंगे। अरे वाह, दीवान टोडरमल
कहीं भामाशाह का नाम आता है तो कहीं दीवान टोडरमल का नाम आता है। अपनी समस्त संपदा उन बच्चों के दाह संस्कार के लिए जमीन लेने में लगा दी और सोने की असरफिया बिछा करके और दाह संस्कार की जमीन उन्होंने खरीदी और इस प्रकार से दोनों वीर बालकों का दाह संस्कार हुआ। ऐसा था हमारा समाज, ऐसे थे हमारे पूर्वज। बलिदान और त्याग की प्रतिमूर्ति आज हमने उनको स्मरण किया। धन्यवाद।